हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में फिर से मैं आप सबके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन और बहुत ही चार सिलाई में बनकर ये तैयार हो जाता है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, कोई भी बिगनर्स भी इसे बहुत ईजीली बना सकते हैं। और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है और बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। सो इस डिज़ाइन को आप किसी भी लेडीज़ जेंट्स कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं और बनने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स 10-10 के मल्टीपल्स में स्टिचेस लेने हैं, +2+2 साइड डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, और साइड स्टिच के लिए 2+2 एक्स्ट्रा, मतलब 4 स्टिचेज़ आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। 10-10 के मल्टीपल्स में आप फंदों को कास्ट ऑन कर लीजिएगा, उसमें 2+2 एक्स्ट्रा फंदे और कर लीजिएगा, फिर आपका ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाह रही हूँ डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है इसको। ये पहली सिलाई से ही स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, राइट साइड से ये स्टार्ट होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पास से देखेंगे इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हम एज स्टिच ऐसे उतार लेंगे और एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो ये दो फंदे हमारे जो एक्स्ट्रा थे वो हो गए, प्लस 5 फंदे हम सीधा बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, तो ये टोटल हमारे 5+2 7 हो गए हैं। 2 साइड स्टिच हमारे और 2, 5 फंदे हमारे डिज़ाइन के। अब उनको आगे करेंगे, अब इस तरीके से उनको आगे करके जिस तरीके से उल्टा बुनते हैं, इस तरीके से 2 राउंड लेंगे, 1 और ये 2, और इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके भी 5 फंदे में इस तरीके से बना लेने हैं, 2, 3, 2 बार लपेटना है, 4, 5। तो ये टोटल हमारे 10 फंदे हो गए हैं, 5 फंदे ये और 5 फंदे सीधे। अब उनको पीछे करेंगे, फिर से यही रिपीट पैटर्न चलेगा, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। उन आगे इस तरीके से 2 राउंड्स लगाते हुए हमें 5 स्टिचेस इसी तरीके से उल्टे के बना लेने हैं, 2 बार लपेट के, 3, 4, 5। सो हमने इस तरीके से 5 फंदे फिर से बना लिए हैं उल्टे। सो हमें इस रो को, फर्स्ट रो को इसी तरीके से रिपीट करते हुए चलना है, 5 फंदे सीधे, उन आगे किया, 2 बार लपेट के 5 फंदे उल्टे, इस तरीके से 2 राउंड्स लेते हुए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे और ऐसे इस तरीके से 2 बार लपेटेंगे, तो टोटल 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए, 5 फंदे सीधे। अब 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे उल्टे। उसको पीछे करके लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं फ्रेंड्स। मैंने बताया था आपको 10 के मल्टीपल्स में आपको स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, +2+2 हमने आपको बताया था डिज़ाइन को एडजस्ट, साइड एज को, साइड एज का स्टिच है। तो ये 2 बच्चे हमारे, 2 स्टार्टिंग में थे, 2 लास्ट में। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रो कम्प्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन सेकेंड रो, उल्टी रो पे इस तरीके से देखिएगा, 1 फंदा उतारा साइड स्टिच और दूसरा उल्टा दिख रहा है, उसको उल्टा बुन लेंगे। अब जो हमने 5 फंदे रैप करे थे, 2-2 करके लपेट के उल्टे बनाए थे, उसको इस तरीके से खोल लेना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसको बुनना नहीं है। अब नेक्स्ट 5 फंदे जो हमने सीधे बुने थे राइट साइड से, उनको 5 फंदों को उल्टा बना लेना है, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से वो 5 फंदे
आ गए हैं उल्टे के जो हमने दो बार लपेट के बनाए हैं, उनको इसी तरीके से निकाल लेना है। पांच फंदे मैंने इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब इनको बिना बुने अगले पांच फंदे जो हैं उनको उल्टा बना लेना है, जो हमने राइट साइड से सीधे बनाए थे पांच, और इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सेकंड रो है रॉन्ग साइड की, कुछ इस तरीके से बनेगी। पांच फंदे जो सीधे बनाए थे राइट साइड से, वो उल्टे बनेंगे रॉन्ग साइड से, और जो हमने रैप करे थे उल्टे उल्टे, उनको हम बिना बुने इस तरीके से बना लेंगे। तो हमारी सेकंड रो कुछ इस तरीके से बनेगी। लास्ट के दो फंदे ये भी उल्टे। सो अब हम अपनी रो थर्ड पे, अब हम इसकी इस डिज़ाइन की थर्ड रो पे, थर्ड रो पे आप ध्यान दीजिएगा। दो फंदे इस तरीके से देखिए, एक साइड स्टिच, दो फंदे हमने इस तरीके से बना लिए, और पांच फंदे जो हमने सीधे बनाए थे, एक दो तीन चार और ये पांच, टोटल हमारे पास सात फंदे हो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हैं। इसको इस तरीके से सिलाई को हम डालेंगे, यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार लपेटा निकाल लिया, ये एक ऊन इस तरीके से आगे किया, ये दो एक बार और आगे किया, और ये तीन, सिर्फ थ्री टाइम्स इस तरीके से हमें करना है। और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब फिर से हम करेंगे, फिर से ये पांच स्टिच हमारे आ गए हैं। इस तरीके से नीडल को हमें पीछे की तरफ डालना है, इस तरीके से एक बार पहले निकाल लेंगे, इस तरीके से ऊन को आगे कर लेंगे। ये एक बार हो गया, अब ये दो ऊन आगे, ये तीन, सिर्फ तीन टाइम ही ध्यान दीजिएगा, फिर ये हमारे पांच स्टिचेस बनकर तैयार हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार और ये पांच, और जो पांच फंदे सीधे हैं उनको सीधा। तो ये थर्ड रो हमारी कुछ इसी तरीके से रिपीट होती हुई चली जाएगी। सो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने अपनी रो थर्ड भी बनाकर इसी तरीके से रिपीट पैटर्न करते हुए कम्प्लीट कर लिया। अब मैं आपकी रो फोर्थ पर हूँ। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, सिर्फ चार सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, और ये बनकर तैयार हो गया है। हमें इसकी रॉन्ग साइड पूरी पल रो से बना लेनी है, उल्टा उल्टा बना लेना है। सारे फंदों को हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो रो फोर हमें कुछ इस तरीके से बनानी है, तो बना लेते हैं इसको हम। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि ये चार सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनकर आया है, और चार सिलाइयों में डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। अब इस डिज़ाइन को यहाँ कैसे एडजस्ट करना है, वेरी ईजी फ्रेंड्स, बहुत आसान है। चार सिलाइयों में बनकर ये तैयार इस तरीके से बनकर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर अब इसको यहाँ बनाना है, तो अब क्या करना है, एक फंदा साइड स्टिच उतार लिया हमने, एक सीधा बना लिया, अब ऊन आगे कर लेनी है। वही दो फंदों को इस तरीके से, पांच फंदे हमें इसी तरीके से बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर से वही पांच फंदे सीधे। देखिए बस कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें इन पैटर्न्स को एडजस्ट करते हुए चलना है। फिर से ऊन आगे, पांच फंदे उल्टे, इसी तरीके से हमें इन चार रोज को रिपीट करते हुए चलना है। सो बिगिनर्स, आप भी बहुत आसानी से बहुत ही इतना सुंदर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस मेरी तरह बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इसको बनाने में या कुछ भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आप भी मेरी तरह इस डिज़ाइन को बनाइए, किसी भी स्वेटर या लेडीज़ कार्डिगन या बेबी स्वेटर पे इसको अप्लाई कीजिए, और बनने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लगता है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।